मैकेनिकल लैब में ये हैमर इसको कितना दबा पाता है और कैसे दबाया जाता है ये मशीन, और सर इसका काम क्या होता है सर? मशीन आपको दिखिए, इसको पावर हैमर बोलते हैं। पावर हैमर इसका यूज़ कोल्ड वर्किंग और हॉट वर्किंग दोनों टाइप के प्रोसेस के लिए किया जाता है। इसमें एक मोटर अटैच है, ये जो रैम, इस पोर्शन को रैम बोलते हैं। इस रैम में जो ये हेड है, ये हेड ऊपर और नीचे मूवमेंट करता है, और इसके बीच में हम माइल्ड स्टील या कोई भी जो आपका वर्कपीस है वो इसके बीच में रखते हैं। नॉर्मली इसका यूज़ हॉट वर्किंग प्रोसेस के लिए किया जाता है। हॉट वर्किंग प्रोसेस में उस वर्कपीस को पहले गर्म करते हैं, उसके बाद में इसमें रिक्वायर्ड शेप देते हैं। कोल्ड वर्किंग प्रोसेस के लिए इसमें डायरेक्ट पीस को अंदर रख के इसके ऊपर हैमर से हैमरिंग करते हैं और उसकी जो भी रिक्वायर्ड शेप है वो बना लेते हैं। इसमें जो अभी फिलहाल जो डाई और रुकी हुई दोनों फ्लैट हैं, इसमें हम अलग अलग साइज़ की डाइज भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम इसको प्रेस करेंगे और यहाँ लाएंगे तो ये अप कंडीशन में आएगा। अप कंडीशन में लाने पर ये रैम जो है ऊपर की डायरेक्शन में जाएगा। डाउन पे अगर हम इसको लॉक करेंगे तो नीचे की कंडीशन में नीचे की ओर जाएगा। और अगर हमें इसे ऑटोमेटिक करना है सेल्फ में, तो हम इसे नीचे ले आएंगे और यहाँ पर इसको लॉक कर देंगे। यस सर। उस कंडीशन में ये जो ये फुट स्विच है वो काम करता है। ठीक है, इसको अगर हम प्रेस करेंगे तो रैम नीचे की तरफ आएगा और छोड़ेंगे तो ऊपर की तरफ जाएगा। ठीक है सर, अब करके दिखा दीजिए। ठीक है, अभी ये न्यूट्रल कंडीशन में है। स्टार्ट करो, देखते हैं अब करके। देखिए गाइस, इसका क्या हाल हुआ है, ये आधा दब चुका है यहाँ पे। और ये हैमरिंग कैसे होता है आप देख लिए।